अनुवादी मीडिया ने कभी भी हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी उनका संघर्ष नहीं दिखाया, तो ऐसे समय में एक नींव का पत्थर साबित होने वाले ऐसे बड़े भाई शंभू जी जो पत्रकार हैं, इस बहुजन आंदोलन को पूरे देश में जो है मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनका मैं खूब आभार करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और इस फिल्म के जो लेखक हैं जिन्होंने मानवर साहब कांशीराम जी पे पीएचडी किया है, ऐसे डॉक्टर एम आर रायपुरिया साहब जो ग्वालियर से चल के आए हैं इस कार्यक्रम में, उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गरिमामय है, क्योंकि हम तो बच्चे थे। अर्जुन जी को पूरा मार्गदर्शन रायपुरिया सर का मिला है और समय समय पर जहाँ पे जो भी जरूरत पड़ी है पूरा तन मन धन से उनने हमें किसी भी कीमत पे हमें निराश नहीं होने दिया, इसके लिए हम उनको आप सबके सामने उनका बहुत आभार करते हैं। जितेंद्र बिसारिया जी प्रोफेसर जो कि ग्वालियर से चल के आए हैं, अगली फिल्म जो आ रही है अर्जुन जी की उस फिल्म के राइटर हैं, उनका खूब आभार करते हैं। अगर बालक राम जी आए हैं तो उनका भी हम आभार करते हैं, और बहुजन मीडिया के सभी बंधु सभी मेरी बहनें उन सबका आभार करते हुए सबसे पहले आज बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को सबसे पहले हम उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए आज मसीह साहब कांशीराम जी की द ग्रेट लीडर कांशीराम जो फिल्म है उसका लॉन्च करेंगे, उसे रिलीज करेंगे। अर्जुन सिंह जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से हार नहीं माना है, मैं चंद्रशेखर भाई की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को मौका नहीं मिलता, हमारे लोग तो जब मौका मिलता है तो भारत का संविधान लिख देते हैं, ये मुझे उनकी बात में दिखाई दिया। तो आज अर्जुन सिंह जी का लगभग मैं 10-12 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, मैं 18 साल से बहुजन आंदोलन का एक गीत लिखता हूँ, तो मुझे बड़ा फख्र है, आज बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि मुझे ऐसी फिल्म से मेरा कैरियर बनाने की मुझे एक मौका दिया अर्जुन सिंह जी की पूरी टीम ने। आज उसी फिल्म का वो करेंगे, लॉन्च करेंगे, उसे रिलीज करेंगे, तो मैं चाहूँगा अर्जुन सिंह मौर्या जी जो कि युवा हैं, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है कि भाई बाकी बातें आप लोगों के सामने वो अपने इंटरव्यू में रखेंगे। मैंने देखा है कि इतनी बुरी परिस्थिति भी आई तब भी जो है वो हार नहीं माने, जहाँ तक के अपनी पत्नी के अपनी माता जी का गहना भी रखने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी उनके संघर्ष को दिखाने के लिए उन्होंने पीछे नहीं हटे। मैं बहुत उनसे प्रेरणा लेता हूँ और मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आज उस फिल्म का जो है रिलीज कर रहे हैं, आप बहुजन मीडिया के ऐतिहासिक क्षण में आप सभी बहुजन मीडिया के साथियों की बदौलत ही एक एक ऐसे बेटे का एक सपना पूरा होगा जिसने जिसने अपनी पूरी कड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे ऐसा कोई नेता नहीं बचा बहुजन समाज पार्टी का आज इस मौके पे मैं कह रहा हूँ, जिसमें 18 साल से मैं बहुजन आंदोलन से जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिस नेता के पास राजू भारती और अर्जुन सिंह नहीं गए। और इतना दुख का विषय है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुजन आंदोलन में कांशीराम जी का नाम लेते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं और कांशीराम साहब के फोटो को आगे रख के कांशीराम साहब के फोटो को आगे रख के राजनीति करते हैं, संगठन बनाते हैं, पर ऐसे मक्कार लोगों पे मुझे जो है बहुत तरस आता है कि मसीहा कांशीराम जी के त्याग को दिखाने की जब बहुजन समाज के लोगों को दिखाने की बारी आई तो अर्जुन सिंह जी का सपोर्ट करने की बजाय उन लोगों ने डिमोटिवेट करने का काम किया। तो उनके मुंह पे एक तमाचा है आज बहुजन मीडिया की तरफ से, आज बहुजन मीडिया की तरफ से एक तमाचा है कि नहीं, इस देश में बहुजन मीडिया खड़ा हो गया है, बहुजन मीडिया के बलबूते पे मानवर कांशीराम साहब को हम जनमानस तक दिखाने का काम करेंगे। इसलिए सभी बहुजन मीडिया का मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपनी टीम की तरफ से, और मैं चाहूंगा कि जो बहुजन युवाओं की धड़कन है कि इस बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के इस कारवां में हम चलते रहे, बहुजन समाज में जन्मे इन महापुरुषों के कारवां में हम चलते रहे, अरे गिरे कई मर्तबा पर गिर के भी हम संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चराग आंधियों में भी चलते रहे। अर्जुन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा के मैं उनसे कहूंगा कि चंद्रशेखर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आज भारत के युवाओं की आवाज बने हुए हैं, जो मानवर साहब कांशीराम जी के आंदोलन को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने देंगे, ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे, उभरते हुए एक क्रांति जो नीली क्रांति का आगाज करेंगे, ऐसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करेंगे कि अर्जुन सिंह जी उनके साथ में मिलकर इस फिल्म को रिलीज करेंगे।
कौन है इधर आ जाओ कुछ जो रखे यहाँ आ जाओ आ जाओ हो जाएगा इधर भी घुमाइए ठीक गुड। एक बार मानवर साहब कांसी राम जी की शान में एक नारा लगाएंगे, मानवर कांसी राम जी अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो, कांसी राम जी अमर रहो, अमर रहो, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। इधर आ हमारे पास, आपके पास तो लेंस बहुत अच्छा है, आ जाओ इधर आ जाओ हमारे पास, पीछे आ जाओ, इधर से ले लो, और इस मौके पे मैं एक शायरी पढ़ूंगा मेरे भाई के लिए अर्जुन सिंह जी के लिए, कि मिशन के लिए बहुजनों का चमकता हुआ शौर्य है, मिशन के लिए बहुजनों का चमकता हुआ शौर्य है, जिसने बहुजन नायक पर बनाई ये फिल्म, ऐसा मेरा भाई, ऐसा मेरा भाई अर्जुन सिंह मौर्य है, अर्जुन सिंह मौर्य है।